हेलो दोस्तों, प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। हमारा जो क्रिकेट बैट है वो कुछ समय के बाद में गंदा हो जाता है। वो या तो क्रिकेट बॉल के मार्क के कारण हो सकता है, या जो स्टिकर्स होते हैं बैट के ऊपर उनके उखड़ने के बाद में बैट के ऊपर एक डर्ट जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लैक स्पॉट्स बैट के ऊपर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने बैट को वापस से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैट है वो काफ़ी गंदा हो चुका है, उसके स्टिकर्स जो हैं वो उखड़ चुके हैं और उनकी जगह पर हमें ब्लैक जो है स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो बचे हुए स्टिकर्स हैं उनको हटाना होगा। तो स्टिकर्स को हटाने के बाद अब हम ब्लैक स्पॉट्स को हटाने के लिए यूज़ करेंगे सैंड पेपर्स का। हमारे पास यहाँ पर है तीन तरह के सैंड पेपर, जिनका साइज़ जो है वो है 80, 150 और 320। जो 80 वाला सैंड पेपर होता है वो सबसे ज़्यादा रफ़ होता है और सैंड पेपर्स काफ़ी चीप होते हैं। मैंने ये जो तीनों सैंड पेपर्स हैं 30 रुपीज़ में परचेज़ किए हैं। तो सबसे पहले जो 80 साइज़ वाला सैंड पेपर है, हम उसका एक पीस जो है काटेंगे कुछ इस तरह से और इससे बैट को रफ़ करना शुरू करेंगे कुछ इस तरह से। तो बैट को सैंड पेपर से सैंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो ब्लैक मार्क्स थे और जो गंदगी थी वो सारी हट चुकी है और अब ये जो है काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैंडिंग जितना आसान दिखता है उतना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगभग आधा घंटा लग गया इस बैट को घिसने में और काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मशीन का यूज़ करें, जो सैंडिंग मशीन होती है उसका अगर आप यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी आसानी से इसको कर पाएंगे, वरना आपको काफ़ी मेहनत और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो अब हम जो है 150 साइज़ वाला सैंड पेपर है उसका यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से इसको थोड़ा सा और स्मूथ करेंगे कुछ इस तरह से। अब हमारा जो बैट है वो काफ़ी स्मूथ हो चुका है और हम 150 वाला जो सैंड पेपर है उसी का यूज़ करेंगे जो बैट के एजेस हैं उनको थोड़ा सा स्मूथ करने में, ताकि वो जो है काफ़ी शार्प ना हो जाए। और कुछ इस तरह हम जो एजेस हैं उनको थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। और इसके बाद में अगर आप चाहें तो जो 320 वाला सैंड पेपर है उसका यूज़ भी कर सकते हैं बैट को और स्मूथ करने के लिए। हालांकि जो बैट है वो काफ़ी स्मूथ अभी हो चुका है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ 320 वाले सैंड पेपर का भी। तो बैट को प्रॉपरली स्मूथ करने के बाद में अब हम इसके ऊपर करेंगे पॉलिशिंग और उसके लिए हम यूज़ करेंगे लिनसीड ऑयल का, जिसको कि हम अलसी का तेल भी बोलते हैं। और अब हम इस तेल को जो है इस प्लेट के अंदर डालते हैं कुछ इस तरह से। लिनसीड ऑयल यानी कि अलसी के तेल को लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉटन का, आप कॉटन क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से हम इस तेल में कॉटन को डिप करेंगे और बैट के ऊपर कुछ इस तरह से इस तेल को अप्लाई करेंगे। लिनसीड ऑयल बैट की सरफेस को स्मूथ बनाने और चमकदार बनाने के साथ ही इसको प्रोटेक्ट भी करता है। पुराने ज़माने में अलसी के तेल का यूज़ किया जाता था, जब आर्टिफिशियल पॉलिश जो आजकल अवेलेबल है वो नहीं होती थी, उस टाइम वुड के लिए इसी तेल का उपयोग किया जाता था। तो लिनसीड ऑयल को बैट के ऊपर लगाने के बाद अब हम इसे कुछ घंटे के लिए इसी तरह से रख देंगे, ताकि जो बैट की वुड है वो इस तेल को अपने अंदर सोख लेगी। तो लिनसीड ऑयल को सूखने के बाद में अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑयल बचा हुआ है तो हम उसको कॉटन की हेल्प से हटा देंगे कुछ इस तरह से। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो बैट है ये पूरी तरह से अभी शाइनिंग कर रहा है, इसकी सरफेस पे कोई भी जो है डर्ट या कोई भी निशान अभी ब्लैक डॉट्स कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो अब ये जो बैट है ये नए स्टिकर्स और एंटी स्कफ शीट लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नए स्टिकर्स और एंटी स्कफ शीट हम लगाएंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल प्रयोगशाला को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।
और आप हमारी आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना करें इसके लिए आप YouTube ऐप पर जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है उसको जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।